हेलो गाइस, मैं स्वीटी आप सबका न्यू व्लॉग में स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है नागपंचमी का दिन और मैं मंदिर होके आ गई हूँ। मंदिर में से अब मैंने घर पे भी आके पूजा कर ली है और अब मैं नाश्ता वगैरह थोड़ा सा करूँगी। फास्ट है मेरा और मैं चाय वगैरह पीऊँगी। ये पूजा में भी मैंने सफाई वगैरह कर ली थी, दिया जला दिया है, भगवान जी को भी नए कपड़े पहनाए हैं। बारिश आ गई, देखे बारिश, और अब फिर बादल हो गया है, बारिश बंद हो गई है। ये फ्रूट रखे हैं, एक एप्पल इनमें से खाऊंगी, ये ग्रीन एप्पल है। अभी बारिश हो रही थी और जब हम मंदिर में गए थे तेज बारिश होने वाली थी और अब फिर से धूप निकल गई है और बादल हो रहे हैं, कभी धूप निकल रही है। शाम में ये ऑफिस से आ गए तो ये कहने लगे कि नाग देवता का एक मंदिर है जो साल में एक ही बार खुलता है, वहाँ पर चलते हैं। और वहाँ जाने के लिए जब गए तो रास्ते में मेला भी भरा हुआ था नागपंचमी की वजह से, जो हर साल भरा करता है, तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। ये है वो मेला और यहाँ पे बड़े बड़े झूले भी लगे हुए थे, लेकिन जाते हुए तो हम गए नहीं, ऐसे ही निकल रहे थे और आते हुए बारिश हो गई, इस वजह से हम मेले में घूम नहीं सके। यहाँ पे लाइटिंग भी बहुत अच्छी खासी हो रही थी और सारे में झूले और शोर शराबा बहुत मचा हुआ था, गेम भी खेले जा रहे थे यहाँ पे जो मेले में होते हैं। अब पहुँच गए हैं हम मंदिर में और यही है वो शिव मंदिर और नाग देवता का मंदिर, जो साल में सिर्फ एक दिन ही नागपंचमी वाले दिन खुलता है और आज ही के दिन इसमें पूजा होती है। यहाँ पर जब हमने पूजा कर ली तो फिर हमने थोड़ी सी वीडियो बनाई। ये जाने लगे, युवराज तो मेरे साथ अंदर आया ही नहीं, इसने पहले ही अपनी अम्मा और चाचा के साथ पूजा कर ली थी यहाँ पे। वे रिक्शा से आए हुए थे क्योंकि गाड़ी का रास्ता नहीं था, हम बाइक से आए थे। और ये उसी मंदिर के साइड में बना हुआ है जिस मंदिर में मैंने भंडारा कराया था। इस मंदिर से हमारा पुराना नाता है, वो कैसे, क्योंकि जो भव्य के पड़ बाबा हैं और इनके भव्य के पापा के बाबा जी हैं, उन्होंने ये सारी भूमि दान की थी और उसी पे ये सारे मंदिर बने हुए हैं और उनकी फ़ोटो भी इस मंदिर में लगी हुई है। ये है बाबा जी की फ़ोटो, इन बाबा जी ने ही ये सारी भूमि दान की थी और बहुत ही पुण्य का काम किया था। ये है हमारा इस मंदिर से रिश्ता और ये बहुत ही बड़ा बहुत ही अच्छा मंदिर है, सुंदर मंदिर है। यहाँ पर जो भी मांगते हैं वो पूर्ण होता है। ये युवराज भव्य के साथ पिक नहीं करा रहा था, पहले कह रहा था दीदी कराएगी फिर मैं कराऊंगा, और फिर भी मैंने वीडियो बना के दोनों की एक साथ ले ली। ये मम्मी जी की, मौसी जी की और ताई जी की पिक्स हैं और ये हमारी हैं। वहाँ से आने के बाद मैंने बनाई आलू पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि एक दिन पहले मटर पनीर बनाया था वो बच गया था, तो मैंने फिर जो बचा हुआ पनीर था उसमें आलू मिक्स करके कैसे बनाए देखे। पहले मैंने पनीर फ्राई किया हल्का और फिर जो बॉईल किए हुए आलू रखे थे वे थोड़े कट कर लिए। अगर कच्चे आलू होते तो मैं थोड़ा पतला काटती, ये बॉईल किए हुए आलू हैं इसलिए मोटे मोटे कट किया मैंने, और इन्हें भी हल्का मैं फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने से टेस्ट इनका अच्छा आता है पनीर में डाल के। अब ये हो गए हैं फ्राई, अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। यहाँ पे इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने ली है एक प्याज और दो टमाटर, इन्हें अच्छे से क्रश कर लेंगे। ये देखिए प्याज मैंने कस लिए हैं और ये भी टमाटर कस लिए हैं। यहाँ पे रखे हैं पनीर और आलू और ये रहा कढ़ाई। पहले इसमें डालेंगे
वन स्पून जीरा, तेल गरम था इसलिए एकदम हो गया है, और इसमें प्याज, इसे हल्का ब्राउन कर लेंगे। इतने हम मसाला ऐड कर लेते हैं टमाटर में, इसमें 1 स्पून ही डालेंगे हल्दी पाउडर, हल्का मसाला ही यूज करेंगे, हाफ हाफ स्पून डालती हूँ ना मैं। और इसमें डालेंगे बिल्कुल थोड़ी सी मिर्च पाउडर, नमक पाउडर 1 स्पून, और बस अच्छे से चला लेंगे। बस 2 मिनट में ये हो जाएगा। इसमें 1 स्पून ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। इसमें 1 बाउल पानी ऐड कर लेंगे। अब इसमें जब उबाल आ जाए तो ये ऐड कर देंगे। इसे थोड़ी देर पकने देंगे और बहुत ही टेस्टी बन जाएगी ये सब्जी। ये देखिए कितना टेस्टी पनीर बन गया है। अगर आपको यह पनीर की इजी और सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।